हाय दोस्तों, आईटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको बताया कि मकर संक्रांति आने वाली, यानी कि काइट फेस्टिवल आने वाला है और लगभग सभी लोग अपने घर के ऊपर जाकर, बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर, मैदान में जाकर पतंग उड़ाएंगे। और अगर मैं बात करूँ गुजरात की, तो आपड़ा गुजरात में मोटा में मोटो मस्ती वालों त्यौहार हो उत्तरायण। और एम पर अपनी गुजरात की पब्लिक पतंग चगाव में पाची ना पड़े, क्योंकि पतंग की पाछड़ आपड़ी गुजरात की पब्लिक तो गाढ़ी है। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, तो हिंदी में बता दूँ कि गुजरात में पतंग बाजी को ज्यादा ही होती है, क्योंकि यहां की पब्लिक को पतंग उड़ाना काफी ज्यादा पसंद है। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी मजेदार गेम के बारे में बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में ही पतंग उड़ा सकते हैं। और जैसे आप रियल में पतंग उड़ाते हैं, उसी तरह का ही अनुभव आपको यहाँ पर होने वाला है। हालांकि ये तीनों की तीनों गेम उन लोगों के लिए काफी यूजफुल हो सकती है जो छोटे बच्चे हैं, जो पतंग नहीं उड़ा सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर के ऊपर नहीं जा सकते, बिल्डिंग के ऊपर नहीं जा सकते, या फिर घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो वो लोग भी इस गेम को खेलकर पतंग उड़ाने का मजा ले सकते हैं। और आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम है। तो चलिए टाइम पास नहीं करते और फटाफट से मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन से पतंग उड़ा सकते हैं। तो बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा अनुपान और आप देख रहे हैं टेक। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली गेम है, इसका नाम है काइट फेस्टिवल 2020। और ये गेम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग अपनी पतंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी डोरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आपके सामने ये गेम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आप अपनी पतंग को उड़ाएंगे, तो उड़ाने के लिए आपको यहाँ पर ढील का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी पतंग को ढील दे सकते हैं ताकि वो दूरी तक जाए। और यहाँ पर आपको एक खींच का बटन मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे खींच मार कर पेच वगैरह ले सकते हैं और दूसरों की पतंगों को काट सकते हैं। और हर एक पतंग काटने पर आपको काफी कमाल का और फनी साउंड सुनने को मिलेगा, जो आपका दिल छू लेगा। पतंग को लेफ्ट राइट करने के लिए आपको कुछ कंट्रोल मिल जाएंगे, साथ साथ में अगर आप पतंग को डाउन करना चाहते हैं तो ढील देकर जैसे वो डाउन होती है कि तुरंत ही आप कैच मारेंगे तो वो डाउन की तरफ जाएगी। तो जैसे जैसे आप इस गेम को खेलेंगे, वैसे वैसे आपको यहां पर भी पतंग उड़ाना आ जाएगा। तो काफी मजेदार गेम है, जोर से इसे ट्राई कीजिएगा। इसके बाद की जो गेम है, इसका नाम है संकल काइट की। मुझे लगता है कि ये किसी गुजराती डेवलपर ने बनाई है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ गुजराती वर्ड देखने को मिले थे। इस गेम की सबसे कमाल की बात ये है कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा अनुभव होगा कि आप कहीं गांव में जाकर पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास आपको कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। आसपास काफ़ी सारे घर देखने को मिलेंगे और काफ़ी कलरफुल गेम ये आपको लगेगी। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि पहले वाली जो गेम थी उसमें थोड़ा सा पतंग उड़ाना डिफिकल्ट था, बट यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कंट्रोल मिल जाते हैं जिसे आप काफ़ी आसानी से पतंग उड़ा सकते हैं। यहाँ पर आप अपना माजा भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि साकर 8 डोरी चाहिए, या फिर गेंडा वाली डोरी चाहिए, या फिर पता नहीं कौन सी कंपनियाँ होती हैं डोरी वाली, तो उन सभी डोरी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आप अलग अलग पतंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको तीन ही पतंग मिलती है और कुछ टाइम मिलता है जिसमें आपको काफ़ी सारे पॉइंट जो है वो अर्न करने होते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार गेम है, जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा। इसके बाद की जो गेम है, इसका नाम है काइट फ्लाई। और इस गेम की सबसे कमाल की बात है इस गेम के ग्राफिक्स। यहाँ पर आपको रियल स्काई ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, और ये जो स्काई है ये आपको 360 डिग्री में देखने को मिलेगा, यानी कि आप पूरे आसमान में जहां चाहे वहां पर पतंग उड़ा सकते हैं। और जिस तरह से हम पतंग को ऊपर उठाने के लिए ठुमका या फिर टप्पा जो भी मारते हैं, उसी तरह का ही यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगा जिससे आप पतंग को ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं। काफ़ी ऑसम आपको यहाँ पर कंट्रोल मिल जाते हैं, और सबसे कमाल की बात है साउंड। यहाँ पर आपको रियलिस्टिक साउंड सुनने को मिलेगा, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो मकर संक्रांति यानी कि काइट फेस्टिवल के चलते आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप के सभी ग्रुप में। हो सकता है कि किसी को ये गेम कुछ देर के लिए खुशी का पल दे। तो आपको ये तीनों की तीनों गेम कैसी लगी, जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। वैसे इन तीनों गेम की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नई नई गेम्स के बारे में, ऐप्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।